पिछली वीडियो में हमने व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू ग्रुप के बारे में जाना। इस वीडियो में हम शो ग्रुप के बारे में, जूम ग्रुप के बारे में, कलर ग्रुप के बारे में और विंडो ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये हमारा शो ग्रुप है, तो शो ग्रुप में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, टाइटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूलर कमांड फर्स्ट है हमारी, तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये रूलर यहाँ पे आ जाएगा। रूलर यहाँ पे आने के बाद अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम लिखें वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, तो हम इसको रूलर को सेट करेंगे। जैसे ये रूलर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आए, तो ये देखो ये रूलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे, सपोज करो यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे बुक लिखा, तो ये देखो ये जो लिखा हुआ आएगा यहाँ से लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि ये जो रूलर है हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इस प्रकार हम रूलर की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये रूलर है। इसके बाद इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे है ग्रिड लाइन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पेज है इसमें ग्रिड लाइन आ जाए, तो हम यहाँ पे सेकंड कमांड यहाँ पे चेक करेंगे इसको, और चेक करने के बाद ये देखो जितनी भी है ये ग्रिड लाइन में आ जाएगा। तो ग्रिड लाइन का यूज़ हम तब करते हैं, सपोज़ करो हम किसी को एक लाइन में रखना चाहते हैं। जैसे ये जितना भी है ये लाइन में रखा हुआ है, तो ग्रिड लाइन के ज़रिए हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर एक ग्रिड लाइन को बंद करना है तो ये देखो ग्रिड लाइन यहाँ पे अनचेक किया है, ये ग्रिड लाइन सारा यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद है गाइड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गाइड्स करेगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट है, तो ये गाइड्स हमें करेगा। इसके बाद है इसको हटाना है, तो इसको अनचेक करेंगे, ये गाइड्स यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद है नोट्स, अगर ये हमारी स्लाइड है इसमें कुछ नोट्स हमने लगाने हैं, तो हम यहाँ पे नोट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा। कोई भी यहाँ पे नोट्स लगाना है तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, जैसे कंप्यूटर, ये नोट्स हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अगर इसको बंद करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नोट्स यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद अगला है जूम। अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं, ये देखो इसको सेलेक्ट किया टाइटल को, और इसको जूम बढ़ाना चाहते हैं, ये जैसे ये इसका जूम रखा हमने 200 और ओके किया, तो ये देखो 200 इसका जूम यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको कम करना है तो इसको कम करेंगे, जैसे 100 इसका जूम रखा, ओके किया, तो ये 100 जूम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जूम से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर फिट टू विंडो किया तो ये फिट टू विंडो में आ जाएगा। तो ये हमारा जूम ग्रुप है, यहाँ से हम जूम बढ़ा भी सकते हैं या जूम कम भी कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में हम जैसे ये हमारी स्लाइड है, इसमें क्या करेंगे, हम कोई कलर लेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ से कोई कलर, ये जैसे ग्रीन कलर हमने यहाँ पे लिया। लेने के बाद हम यहाँ पे व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रे स्केल, अगर हम इसको ग्रे स्केल में करना चाहते हैं इस कलर को, तो ग्रे स्केल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ग्रे स्केल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद व्यू पे क्लिक किया, आगे ब्लैक एंड वाइट में करना है तो ये ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। अगर बैक टू कलर चाहिए तो ये बैक टू कलर में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम इसको व्यू टैब में जाके इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं कि कौन सा चाहिए कौन सा कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है विंडोज़ ग्रुप। तो विंडोज़ ग्रुप में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट की, अब क्या है, ये जो है विंडोज़ ग्रुप में न्यू विंडो है, तो न्यू विंडो इसका यूज़ क्या होता है, अगर हमें नई विंडो चाहिए, ये जो हमारी एक विंडो है ये ब्राउज़र यहाँ पे हमने सेव की हुई है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ब्राउज़र
ये विंडो है, एक नई हमें विंडो चाहिए, तो हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ब्राउज़र टू विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारी ब्राउज़र वन विंडो है, ये ब्राउज़र टू विंडो है। इसके बाद हम अगर और चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आ जाएगी। ये देखो एक और विंडो यहाँ पे आ गई, तो ये हमारी विंडो ये थर्ड, ये देखो ब्राउज़र थ्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर और चाहिए तो हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और विंडो पे जाएंगे और न्यू विंडो पे जाएंगे, ये देखो ये ब्राउज़र फोर, ये विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई चेंजिंग करेंगे टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, तो जहाँ जहाँ टाइप्स ऑफ ब्राउज़र लिखा हुआ है वहाँ पे ये चेंजिंग होती जाएगी। ये देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको अगर होम टैब में जाके इसको किसी भी कलर में यहाँ पे करते हैं, जैसे सपोज़ करो इसको ग्रीन कलर में किया, ग्रीन कलर में करने के बाद बोल्ड में किया, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ब्राउज़र ये सभी विंडोज़ में ये चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी ब्राउज़र फोर विंडो, एक ये है इसमें भी चेंज हो गया, ये हमारी ब्राउज़र थर्ड विंडो है इसमें भी ये टाइप्स ऑफ ब्राउज़र चेंज हो गया। इसके बाद ये देखो हमारी ब्राउज़र टू विंडो है ये भी यहाँ भी ये चेंज हो गया। इसके बाद ये देखो ये हमारा ब्राउज़र फर्स्ट, ये देखो ये भी इसमें भी ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कैस्केड स्टाइल में करना है तो ये देखो ये जो स्टाइल है कैस्केड स्टाइल में आ जाएगी। अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं तो इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, ये देखो जितनी भी विंडो थी अरेंज होके यहाँ पे आ गई, तो इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं। तो अरेंज करने के बाद अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे इसको डिलीट किया, ये भी डिलीट की, ये भी डिलीट की और इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया तो ये विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसके बाद है मूव स्प्लिट, मूव स्प्लिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये स्प्लिट करना है ये टाइटल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे रखना है इसको, ये देखो ये स्प्लिट हो जाएगा। अब ये इसको स्प्लिट करना है, ये देखो ये स्प्लिट कर दिया, तो इस प्रकार हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है स्विच विंडो, तो स्विच विंडो के लिए हम यहाँ पे तीन चार विंडो यहाँ पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ही विंडो है। अगर हम यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं तो हम एक और यहाँ पे विंडो बनाएंगे, जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको न्यू करेंगे, ये न्यू प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गई, इसका लेआउट यहाँ पे ये रखेंगे और यहाँ से कोई जैसे शेप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे ली, जैसे ये शेप यहाँ पे इंसर्ट कर दी, एक ये बना दी। इसके बाद ये विंडो आ गई, इसके बाद एक नई विंडो चाहिए हमें तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद इसका लेआउट ब्लैंक रखेंगे और यहाँ भी कोई शेप इंसर्ट करेंगे, जैसे कोई भी शेप यहाँ पे हमने ली, जैसे ये शेप हमने यहाँ पे रखी। इसके बाद अगर और चाहिए तो हम फिर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेआउट इसका ब्लैंक रखेंगे और डिज़ाइन यहाँ से हम कोई भी ये शेप यहाँ पे लेंगे, जैसे ये शेप हमने यहाँ पे ली। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बहुत सी विंडोज़ यहाँ पे बना दी। बनाने के बाद हम व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद स्विच विंडो, इन विंडोज़ को हम स्विच करेंगे। जैसे ये विंडोज़ हमारे पास बन के आ गई हैं, अगर फर्स्ट विंडो हमने देखनी है तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट आ जाएगी। अगर अगली विंडो प्रेजेंटेशन टू ये देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रेजेंटेशन टू विंडो यहाँ पे आ जाएगी। अगर अगली विंडो देखनी है तो स्विच विंडो पे जाएंगे और अगली विंडो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगली विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर और इससे अगली विंडो देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
ये प्रेजेंटेशन फॉर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम विंडोज़ को यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने शो ग्रुप, जूम ग्रुप, कलर ग्रुप, विंडोज़ ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।